Oh!
बैंक है ना? हाँ जी सर। फिर भी तुम्हारे बार बार आपके बार बार थर्टीन थर्टीन लोगों और मोबाइल फिर चलो गुड्डू जी, गुरु जी दिखे नहीं? हाँ, पिछले दो साल से हम देख रहे हैं जिस तरीके से पूरा माहौल था, लेकिन ये साल बहुत ही धूम धड़ाका है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस साल गणपति जी विराजे हैं। मेरे लिए ना एक्चुअली इसी साल भाई एक मिनट आप लोग लड़ने में निकाल दिया, चार मिनट बचा है, टाइम देखते हुए काम कीजिए आप लोग। चलिए साहब रेडी रहेंगे। अच्छा आप बताइए सर, आज फर्स्ट ईयर है आपके लिए और बहुत ही आपने भी अच्छी तरह से पूजा जी, क्या कहना आप सब लोग थे अंदर, आपको वाइब्रेशन फील हुई होंगी। आई थिंक मेरे लिए तो ऑब्वियसली ये पहली बार है, सर के लिए जैसे हर साल सरप्राइज होता है, मेरे लिए इस बार सरप्राइज था। बट इसके पहले मोहल्लों में ही लाइक जहाँ रहते हैं वहाँ कॉलोनी में जो भी स्थापना होती है वही देखा है, घर पे करते नहीं है, मतलब होता नहीं है अभी तक। बट दिस इज एज फार एज लाइक फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड बहुत मज़ा आया जी। आई थिंक मुंबई एज अ सिटी यहाँ पर स्पेशली, आई डोंट नो किसी और जगह का, बट यहाँ पर जिस यहाँ पुणे में पढ़ा था मैं इसके पहले, यहाँ पर जिस तरीके की उनकी गरिमा रही, आई थिंक मतलब उनकी परमिशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो फॉर एवरीथिंग गुड थैंक यू पापा, एंड एवरीथिंग गुड कमिंग एडवांस में थैंक यू। मुझे खुद को आइडिया, हम लोग इनफैक्ट लीप हुआ है ना अभी शो में, तो हम लोग खुद बाहर चल रहे थे आज। मैं आई डोंट नो कितने दिनों बाद आया सेट पे, 9 दिन बाद, सो मेरे लिए भी ये सरप्राइज था। अगली बार से आई विल पार्टिसिपेट इन द प्रिपरेशन एज वेल जी। वी आर आई हैव सेड माय थैंक यूज एंड आई हैव गिवन माय लिस्ट ऑफ व्हाट आई वांट इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर। बट आई एम ग्रेटफुल, आई एम सीरियसली, मुझे ऐसा लगता है कि सब सही है लाइफ में इस वक्त, सब सही है। आई थिंक दिस ईयर हैज़ बीन वेरी वेरी रिवॉर्डिंग। दिस ईयर हैज़ बीन ऑलमोस्ट लाइक अ न्यू बिगिनिंग। मुझे अभी तक हमेशा लगता था कि मैंने अभी तक चालू नहीं किया, अब लग रहा है हाँ चालू कर चुका हूँ। सो एक बहुत ही कोइंसिडेंशियल बात है जो मैं आज बता दूं, जिस दिन गणपति जी आते हैं उस दिन हम लोगों जैनों का समश्री एक त्यौहार होता है, सो यूजुअली आई एम फास्टिंग दैट डे। आई थिंक नहीं, ये जो मतलब जो आरती होती है ना सुबह शाम की, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, आप लोगों ने फील किया है इसलिए लाइक आप लोग भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बट आई थिंक दिस रीसेट्स द होल थिंग फॉर 10 डेज। वर्क बिकम्स मोर फेस्टिव एंड मोर, मतलब इट्स नॉट ओनली कि आप काम करने के लिए आ रहे हैं, आप आरती करने भी आ रहे हैं, और एक सब सही है इस वक्त, मतलब वो फेस्टिव वो वाला माहौल होता है ना कि सब सही है, आप काम करते रहो, मज़े करते रहो, लड्डू पेड़े खाते रहो, प्रसाद लेते रहो, भगवान जी की पूजा करते रहो, एंड टाइम सेल्स जी। एक्चुअली हम लोग पिछले एक 40 दिन 40-45 डेज से यही सोच रहे थे कि मतलब अभी लीप आने वाला है, कुछ थोड़ा सा मुझे इंजरी टाइप का भी हो गया था तो हम लोग परेशान थे वो सब लेके, बट एट दिस डे एवरीथिंग इज गोल्डन। मतलब तभी सर ने बोला था एक ऐसे भविष्यवाणी की तरह, देखना बप्पा आएंगे सब ठीक हो जाएगा, एग्जैक्टली दैट हैज हैपेंड, बप्पा आए सब ठीक हो गया। आपको और प्रणाली को ऑन स्क्रीन तो देखते हैं, बट आज पूजा में
वो खुद मतलब मैं उसे मैं बता रहा हूँ ना, आज उसके यहाँ भी गणपति बैठी है इसलिए शी इज़ देयर, बट जब वो देखेगी ये और जब उसको मैं बताऊंगा, आई डोंट थिंक शी इज़ गोना मिस फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। आज वो रिग्रेट कर रही होगी कि मैं यहाँ क्यों नहीं हूँ, मैं वहाँ चले जाती हूँ तो घर पे ही है, है ना। आज वो मिस कर रही होगी, ये मिस आउट करेगी जब देखेगी तब। थैंक यू एंड आई होप गणपति बप्पा की दया दृष्टि आप सब पे बनी रहे, मे ही ब्लेसेस यू एंड आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हों, जैसे बाकी मतलब जो भगवान चाहे वो सब सही है। थैंक यू मोरिया, धन्यवाद भाई, धन्यवाद आप लोग के।